Hi friends, so welcome to Oliveboard SSC and RRB Express, a very important session, okay, of important words. तो यहाँ जो भी मैं वर्ड्स आपके साथ डिस्कस करूंगा तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है और मैंने बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. तो इन वर्ड्स को मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट मानता हूँ, ठीक है, ये आपके आपके शिफ्ट में आ सकता है. तो एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और वीडियो को एकदम अंत तक देखिए, क्योंकि वर्ड सीखने के बाद मैंने एक टेस्ट रखा है, ठीक है, जिसमें हम लोग जितने भी वर्ड्स हम लोग सीखेंगे उसको फिर से हम लोग टेस्ट मोड पे हम लोग लेंगे, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड. मैं वर्ड लूंगा, फिर उसके सिनोनिम्स रहेंगे, फिर उसका इमेज भी रहेगा, मैं आपको मीनिंग बताऊंगा, ठीक है. प्लीज आप लोग कॉपी पेन में एक एक करके लिखिए, उसको नोट डाउन करिए, है ना, और वीडियो को रिवाइज कीजिएगा एग्जाम से पहले, ठीक है. तो पहला वर्ड है म्यूनिफिशेंट. ओके, म्यूनिफिशेंट वर्ड, इसका मीनिंग क्या होगा और ये स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं डिस्कस करूंगा. अब म्यूनिफिशेंट एक ऐसा पर्सन है जो काफी क्या है, दयालु है. अगर मैं हिंदी की बात करूं तो काफी दयालु है. ही इज वेरी जेनरस इन नेचर, वेरी जेनरस, ठीक है. जेनरस लोग क्या करते हैं, अगर आप इमेज में देखोगे, जेनरस पर्सन चीजों बांटते हैं उन लोग, ओके, दे डिस्ट्रीब्यूट थिंग्स, ओके, चैरिटी में उन लोग चीजें देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग बेनिफिशियंट बोलते हैं. जेनरस कह सकते हो या फिर हम लोग एक और वर्ड ऐड कर सकते हैं, दे आर, यू कैन से चैरिटेबल, ठीक है, काफी चैरिटेबल होते हैं, या फिर दे आर ऑल्सो वेरी बेनिवोलेंट, ठीक है, बेनिवोलेंट. और बेनिवेलेंट को हम लोग कभी कभार हम लोग काइंड भी कहते हैं, ठीक है. तो म्यूनिफिशेंट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, एक तो हो गया आपका जेनरस होना, चैरिटेबल होना, दयालु होना, बेनिवोलेंट होना, या फिर यू कैन से वेरी काइंड आल्सो, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू डोनेटिंग थिंग्स. अगर मैं सिनोनिम्स बात करूं आपसे जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो हो गया आपका मैग्नानिमस होना, ठीक है, और मैग्नानिमस का ही एक तरह से आपका नाउन फॉर्म क्या होता है, आपका मैग्नानिमिटी, ओके. तो दिस इज द नॉन फॉर्म ऑफ द वर्ड मैग्नानिमस, ओके. तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो. मैग्नानिमिटी मतलब क्या होगा आपका, चैरिटी होगा या फिर जेनरोसिटी, ओके. नेक्स्ट हमारे पास है फिलेंथ्रोपिक, ओके. फिलेंथ्रोपिक से वर्ड आता है आपका फिलेंथ्रोपी, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है. तो वही सब मिलके, ओके, फिलेंथ्रोपिक इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ, यू कैन से म्यूनिफिशेंट आप कह सकते हो, ठीक है. इमेज से आपको हेल्प करेगा, आपको इमेज से रिमेंबर करने के लिए, एक चॉकलेट है, किटकैट ही होगा, ठीक है, तो उसको भी दिया, ठीक है, खुद भी रखा, लेकिन शेयर किया उसने, डोनेट किया एक तरह से, ठीक है. तो पहला वर्ड हमारा म्यूनिफिशन, याद रखना इस वर्ड को, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. इस वर्ड को आप एग्जामिनेशन में ऐसे कभी कभार पूछ सकते हैं, ठीक है, स्पेलिंग एरर में, म्यूनिफिशियंट, ठीक है, तो ये आई नहीं आएगा, ध्यान रखिए, म्यूनिफिशियंट लाइक मैग्निफिशेंट, ठीक है, लाइक मैग्निफिशेंट, इट्स म्यूनिफिशियंट नॉट म्यूनिफिशियंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा. पहला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फ्लैगमेटिक. तो इस वर्ड को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, जब भी ये वर्ड आए आपके सामने फ्लैगमेटिक, जस्ट रिमेम्बर MS धोनी. इस फोटो में वो कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, तो ये काफी क्या लग रहे हैं, कूल लग रहे हैं, तभी इनको कहते हैं कैप्टन कूल, ठीक है. दैट मींस ऐसे पर्सन जो इजिली अपना जो यू कैन से गुस्सा नहीं आता जिसको, ठीक है, इमोशन इजिली दिखाते नहीं है, ठीक है, ज्यादा बहुत ज्यादा पैशनेट नहीं होते. विराट कोहली के बिल्कुल उल्टा, विराट कोहली जैसा ना, बिल्कुल उल्टा उसका, तो उसको कहते हैं हम लोग कूल कहते हैं. तो एक तरह से फ्लैगमेटिक का मीनिंग क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु इज वेरी कूल, या फिर आप कह सकते हो ऐसे पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं, काफी कंपोज रहता है, काफी कंपोज्ड, अपने इमोशन को बाहर नहीं आने देता है, ठीक है, अपने इमोशन को अच्छे तरीके से हैंडल करता है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लैगमेटिक, ओके. प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट. और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जो आपको याद रखना चाहिए, ओके, इस वर्ड से रिलेटेड है. एक तो हो गया सेरिन, ठीक है, एक हो गया ट्रैंक्विल, प्लेसिड, ये सब एक तरह से क्या मीन करेंगे आपके, पीसफुल, ठीक है. तो जो पीसफुल होते हैं वही तो कूल होते हैं, ठीक है, वही तो कंपोज होते हैं, ठीक है. तो सेरिन, सेरिन वर्ड से आपका सेरिनिटी आता है, जिसका मीनिंग होता है पीस. ट्रैंक्विल वर्ड से ट्रैंक्विलिटी आता है, ठीक है, एंड प्लेसिड ऑल्सो, फाइन. एंड डू नॉट कंफ्यूज प्लेसिड विद द वर्ड पेल्यूसिड, ठीक है, पेलिसिड से प्लेसिड को कंफ्यूज मत होइए. पेलिसिड इज समथिंग विच इज क्लियर, विच इज लूसिड इन नेचर, विच इज वेरी क्लियर, ठीक है, सो डू नॉट कंफ्यूज. तो ये भी एक हिंट रह गया आपके लिए. तो एक बार इस वर्ड को रिवाइज कर लेते हैं. फ्लैगमेटिक किसको कहते हैं, कूल, काम, कंपोज्ड, उसको कहते हैं हम लोग कूल, कंपोज, काम, ठीक है. तो ये इसका मीनिंग हुआ. सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, सेरिन हो गया, ट्रैंक्विल हो गया, एंड प्लेसिड, एंड डू नॉट कंफ्यूज विद द वर्ड पेलिसिड. और बेहतरीन तरीका इसको याद रखने के लिए, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर MS धोनी, हाउ ही इज, ओके, ही इज वेरी कूल, काम, कंपोज्ड, फाइन. नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है लुगुब्रियस, ओके. लुगुब्रियस वर्ड, इसका मीनिंग आपको शायद ये इमेज देख के आपको शायद याद आ गया होगा किसकी बात करें हम लोग. लुगुब्रियस वर्ड का मीनिंग है,
अगर आप जब बहुत ज्यादा आप सैड होते हो, ठीक है, वेरी सैड, ठीक है, दुखी रहते हो, उसको बोलते हैं हम लोग लुगुब्रिय स्टेट, ठीक है। और इसके जो इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम्स है वो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, एक तो हो गया डॉलफुल, ठीक है, डॉलफुल, नेक्स्ट इज व्हाट मेलनकॉलिक, नेक्स्ट इज व्हाट डेस्पोंडेंट, सब क्या मीन करेंगे, सैड होना, ठीक है, ओके, डॉलफुल, मेलनकॉलिक, डेस्पोंडेंट। और भी इंपॉर्टेंट आपके सिनोनिम्स हो सकते हैं, एक तो हो गया आपका मॉर्नफुल, ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। एक और वर्ड जो इंपॉर्टेंट है काफी, जो एग्जामिनेशन में पूछते, दैट इज कॉल्ड डिजेक्टेड, ठीक है। डिजेक्टेड फील करना मतलब क्या होना, डेस्पोंडेंट होना, होप लूज करना, बेसिकली होप लूज करना, दिस इज कॉल्ड, यू कैन से डिजेक्टेड फील करना, या फिर आप ये भी कह सकते हो दिस पर्सन इज, यू कैन से काइंड ऑफ इज डिप्रेस्ड, क्योंकि वो सैड रहता है, ओके। सो मॉर्नफुल हो गया, डिजेक्टेड फील करना, या फिर डॉलफुल, मेलनकॉलिक, डेस्पोंडेंट, ये सारे क्या मीन करेंगे आपके, थोड़ा सा सैडनेस से रिलेटेड है। एंड इस इमेज से सब कुछ क्लियर होता है, तो ट्राई टू रिकॉल दिस इमेज एंड ट्राई टू रिमेंबर दिस वर्ड, ओके। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, एक बार लुगुब्रियस वर्ड है हमारे पास, जिसका मीनिंग क्या होता है आपका, वेरी सैड, एंड सिनोनिम्स आर वर्ड डॉलफुल, यू कैन से मेलनकॉलिक, या फिर डेस्पोंडेंट, डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड, या फिर मॉर्नफुल, फाइन। तो ये इमेज है, प्लीज ओके नोट डाउन दिस वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास के ऑब्सिक्यूअस, ओके। अब ऑब्सिक्यूअस लोग कैसे होते, यहाँ पे बहुत अच्छे से इमेज में डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। ये लोग कैसे होते, ऑब्सिक्यूअस पीपल आर वेरी ओबीडियंट इन नेचर, वेरी ओबीडियंट, मतलब आप जो बोलोगे वो मानेंगे, ठीक है, लेकिन एक हद तक, ओके, सर्वाइल डिग्री, दे आर ओबीडियंट टिल अ सर्वाइल डिग्री, दैट मीन्स लाइक अ सर्वेंट, ठीक है, ये आपको खुश करने के लिए कुछ भी करेंगे, ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं ऑब्सिक्यूअस, ठीक है, लाइक बुट लिक करना, ठीक है, बुट लिकिंग हम लोग बोलते हैं ना, चापलूसी करना, तो वही वर्ड है ये ऑब्सिक्यूअस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन द वर्ड ऑब्सिक्यूअस, वेरी ओबीडियंट लेकिन टू ए सर्वाइल डिग्री, ओके। और इसके जो सिनोनिम्स है उसको प्लीज नोट डाउन करें, इनग्रेशिएटिंग, ठीक है, That means आपको खुश करने की कोशिश करेगा, ingratiate करना, ठीक है। Next, ये तो बहुत ही common word है, sycophantic, ठीक है। Again, fawning, fawning भी बहुत अच्छा word है, please note down the word fawning, और ये सब क्या mean करेंगे, एक तरह से boot licking करना, ठीक है, चापलूसी करना, okay, आपको खुश करने के लिए, they will do anything, ठीक है। Next, कुछ और important words है, उनको आप note down कर ले, यहाँ पे इसी से related है, मैं अगर बात करूं, एक word है unctuous, ठीक है, जो अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन जानने में क्या जा रहा है, ठीक है। या फिर हम लोग ऑयली भी कहते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है, क्योंकि काफी तेल लगाते हैं लोग, तो ऑयली, ठीक है, अंगटूअस हो गया, या फिर इनको टॉडी भी कहते हैं, टॉडी बिहेवियर, टॉडी। तो ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है काफी, तो प्लीज नोट डाउन दिस वर्ड्स। ऑब्सिक्यूअस मतलब क्या हो गया, ओबीडियंट टू वेरी सर्वाइल डिग्री। इसके जो सिनोनिम से इनग्रेशिएटिंग, साइकोफेंटिक, फॉनिंग कह सकते हो, बुट लिकिंग कह सकते हो, ठीक है, unctuous, oily and toddy. And please do not confuse this obsequious word with a word called obstreperous. ठीक है, एक word है obstreperous, और हमारा tendency क्या होता है कि इससे confuse करते हैं हम लोग. Obstreperous is something, okay, which are very, you can say, unruly, okay, and difficult to control, noisy and difficult to control, उसको बोलते हैं हम लोग obstreperous. अब obstreperous कौन होंगे, जैसे कि मान लीजिए mob, ठीक है, crowd. तो obstreperous word को do not confuse with the word obsequious, ठीक है। एक और word है जो आपको पता होना चाहिए, one word is obdurate, ठीक है, obdurate, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, बाद में हम लोग revise भी कर लेंगे, ठीक है। So do not confuse with obdurate also. Obdurate का meaning क्या होता है, what is the meaning of obdurate? Obdurate person is very stubborn in nature, ठीक है, काफी जिद्दी होते हैं, किसी की नहीं सुनते, उसको बोलते हैं हम लोग obdurate, और you can also say unflinching, you can say inflexible, ठीक है, काफी जो अड़े रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट लोग को हम लोग ये भी कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल देम एज ऑब्स्टिनेट, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन ऑल दीज वर्ड्स, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट एंड स्टबर्न, ठीक है। इनफैक्ट स्टबर्न भी काफी बार पूछते हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, ऑब्सिक्यूअस, ठीक है, लाइक दिस, फाइन, वेरी ऑबिडियंट, यू कैन से टू अ सर्वाइल डिग्री, इनग्रेशिएटिंग, साइकोफेंटिक, फॉनिंग, अंगटूअस, ऑयली, टॉडी, बुट लिकिंग, ये सब वर्ड्स आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं फटाफट, नेक्स्ट इज वर्ड फास्टिडियस। अब फास्टिडियस वर्ड आपको जो इमेज है उससे आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है, ये कुछ डेस्क साफ कर रहा है लेकिन ये चाह रहा है कि एक भी उसमें धूल या फिर डस्ट ना रहे, नहीं, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस गाय फोकसेस ऑन वेरी ऑन माइन्यूट डिटेल्स, ठीक है। एक पर्सन अगर माइन्यूट डिटेल, छोटी छोटी बातों को भी देखता है, उसको हम लोग बोलेंगे फास्टिडियस इन नेचर। दैट मीन्स दिस गाय इज लाइक आमिर खान, ठीक है, ही इज अ परफेक्शनिस्ट,
ठीक है, तो इस वर्ड को आप लोग नोट डाउन करें, बहुत बार ये वर्ड पूछा गया है, फास्टिडियस का मीनिंग भी पूछा गया है एंड दे हैव आस्क्ड इवन यू कैन से इन वन और सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो। ठीक है, फास्टिडियस क्या होता है, अ पर्सन हु फोकसेस ऑन माइन्यूट डिटेल्स, छोटी छोटी बातों को पकड़ता है, दैट इज वाई आपको एक मीनिंग आपको एग्जामिनेशन में आपको जरूर मिलेगा आपको, अ पर्सन हु इज हार्ड टू प्लीज। ठीक है, जो छोटी छोटी चीजों को पकड़ता है वो उनको खुश करना बहुत मुश्किल होता है, तो फास्टिडियस का एक मीनिंग ये भी होता है, अ पर्सन हु इज वेरी हार्ड टू प्लीज। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम्स है वो नोट डाउन करें, मेटिकुलस, प्लीज बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है मेटिकुलस। ओके, मेटिकुलस अगेन अ पर्सन हु फोकस ऑन माइन्यूट डिटेल्स, या फिर ही इज अ परफेक्शनिस्ट। ठीक है, एंड अ पर्सन हु इज वेरी हार्ड टू प्लीज ऑल्सो। तो फास्टिडियस वर्ड को नोट डाउन करें आप लोग अच्छे से, और इस इमेज से इसको याद रखिए, और आमिर खान वर्ड से भी आप, ठीक है, इसको याद रख सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या, रिप्रूव। अब देखिए इतने सारे मैंने इसके सिनोनिम्स लिखे क्योंकि ये सारे वर्ड आपके एसएससी में पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिप्रूफ का मीनिंग क्या होता है, अगर कोई आपको इस इमेज से आपको शायद कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है, घर की बात है या फिर स्कूल डेज आपको याद आ रहे होंगे, ठीक है, होमवर्क नहीं किया तो टीचर क्या करते हैं आपको, ठीक है, आपको रिब्यूक करते हैं, राइट, आपको क्या करते हैं, आपको डांटते हैं, आपको स्कोल्ड करते हैं, ठीक है, आपको वार्निंग मिलता है। तो रिव्यू करना, डांटना, स्कोल्ड करना, इसका मीनिंग होता है आपका रिप्रूव। ये वर्ड मैंने इसलिए लिया है कि लोगों को ऐसा लगता है कि यार किसी चीज को दोबारा प्रूफ करना रिप्रूव होता है, तो ये मीनिंग बिल्कुल गलत है। ठीक है, रिप्रूव का मीनिंग होता है आपका किसी को डांटना, रिव्यू करना या फिर स्कोल्ड करना। ठीक है, एक और इसका मीनिंग होता है जब आप किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हो, ठीक है, उसको भी हम लोग एक तरह से रिप्रूव करना भी कहते हैं या फिर सेंश्योर करना, ठीक है, उसको भी कहते हैं हम लोग रिप्रूव करना। और इसके इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम्स, एक तो हो गया आपका रेप्रिमेंड करना, किसी को अगेन वार्निंग देना, डांटना, रेप्रोच करना, ठीक है, एडमोनिश करना, अपब्रेड करना, चेस्टाइज करना। अब देखिए लैम्बास्ट और कैस्टिगेट ये क्या मीन करेंगे आपके, किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, या फिर एक और वर्ड आप नोट डाउन कर सकते हैं, किसी को फ्ले करना, ठीक है, प्ले करना भी एक तरह से क्रिटिसाइज होता है, और फ्ले योर स्किन, ठीक है, चमड़ी मतलब निकाल देना बिल्कुल, तो उसको भी हम लोग फ्ले कहते हैं। ओके, सो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, रिप्रूव वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिप्रूव का मीनिंग आपका क्या हो गया, टू रिब्यू, स्कोल, डांटना, एंड द सिनोनिम्स आर रेप्रिमेंड करना, रिप्रोच करना, एडमोनिश करना, ठीक है, अपब्रेड करना, चेस्टाइज करना, लैम्बास्ट करना, कैस्टिगेट करना, फ्ले करना, ठीक है, तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लीज नोट डाउन दिस वर्ड, है ना, और इस इमेज से आप इस चीज को आप रिमेंबर कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, रेपुडिएट करना। रेपुडिएट करने का मीनिंग होता है रिजेक्ट करना, और इमेज बहुत अच्छा है काफी, है ना, आपके साथ हुआ होगा कभी, ठीक है, आपने किसी को प्रपोज किया आपने, लेकिन उसने दिखा तो रहा है कि उसने एक्सेप्ट, लेकिन एक्चुअल में उसने रिजेक्ट किया, ठीक है, उसको रोना आ रहा है कि इसने मुझे प्रपोज कर दिया, ठीक है, तो उसको रिजेक्ट करने को हम लोग बोलते हैं रेपुडिएट करना। ठीक है, रिजेक्ट करना या फिर डिनाई करना, मना कर देना, ठीक है, बेसिकली, ओके, मना कर देना, उसको कहते हैं हम लोग रेपुडिएट करना। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम्स है उनको डिस्कस कर लेते हैं। रिनाउंस करना एक तरह से, ठीक है, रिनाउंस करना। अब रिनाउंस से अब बहुत सारे वर्ड्स आपके दिमाग में आ सकता है, ठीक है, रिलिंक्विश भी कर सकते हो आप, ठीक है, रिलिंक्विश भी आ सकता है, फॉरस्वेयर करना एक तरह से, किसी को छोड़ देना, फॉरस्वेयर करना, एब्ज्योर करना, एबडिगेट करना, एबडिगेट नॉर्मली हम लोग थोन के साथ करते हैं, लेकिन आप मान सकते हो कि ये भी एक तरह से किसी चीज को रिजेक्ट करना या फिर छोड़ देना, इसका मीनिंग होता है। ओके, नेक्स्ट एबज्योर, और एबज्योर के साथ एक बहुत ही अच्छा वर्ड आता है एबज्योर वायलेंस, ठीक है, वायलेंस को मना करना, मतलब छोड़ देना एक तरह से, उसको बोलते हैं हम लोग एबज्योर वायलेंस। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, और इमेज मुझे लगता है आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो आप कभी भूलोगे नहीं इस रेपुडिएट वर्ड को, ठीक है, तो पहले प्रपोज करने से पहले सोचना कि रेपुडिएट ना हो जाए, है ना, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। रेपुडिएट का मीनिंग क्या होता है आपका, रिजेक्ट। फर्स्ट सिनोनिम इज व्हाट, रिनाउंस करना, फॉरस्वेयर करना, एब्ज्योर करना, एबडिकेट करना, रेलिंक्विश करना, एंड आई थिंक इमेज से सब कुछ क्लियर है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है टेन्युअस, ठीक है, टेन्युअस ये जो वर्ड है आई थिंक इससे क्लियर होता है। देखिए ये क्या है, काफी, ये जो रस्सी है काफी टेन्युअस, मतलब होता है वेरी थिन। ओके, और थीन अगर है तो काफी वो चीज क्या होगा, काफी वीक होगा, कमजोर होगा काफी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग टेन्युअस, वेरी थीन, और यू कैन से वेरी वीक, स्लेंडर आप कह सकते हो, ठीक है, स्लेंडर। एंड जो इसके जो इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम से, एक तो हो गया आपका फ्लिमजी, ठीक है, फ्लिमजी हो गया, इनसब्सटेंशियल, अगर सब्सटेंशियल होता तो काफी क्या होता, इंपॉर्टेंट होता, काफी सिग्निफिकेंट होता,
काफी स्ट्रेंथ बढ़ा मतलब उसमें होता काफी, तो सब्सटेंशियबल नहीं है ये, इनसब्सटेंशियल है, दैट मींस इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, तभी तो टूट रहा है, ठीक है, ज्यादा जोरदार नहीं है, शेकी है ये काफी। तो आपके जो रिलेशनशिप है, लास्ट इमेज में आपने देखा था रिजेक्ट कर था प्रपोजल, दैट मीन्स उनका जो रिलेशनशिप था एक तरह से टेन्युअस था, ठीक है। अब टेन्युअस वर्ड जो है इसको आप इससे कभी कंफ्यूज ना होइए, देयर इज अ वेरी गुड वर्ड कॉल्ड टेनेशियस, टेनेशियस वर्ड से आप टेन्युअस को कंफ्यूज ना करें, टेनेशियस एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, टेन्युअस तो एक नेगेटिव वर्ड हो गया, टेनेशियस इज अ वेरी गुड वर्ड, काफी पॉजिटिव वर्ड है ये टेनेशियस, दैट मीन्स अगर आप परसिस्टेंट होते हो, ठीक है, मेहनत करते रहते हो, टेनेशियस, जो गिव अप नहीं करते जल्दी, जो लगे रहते हैं, ठीक है, जो मेहनत करते रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग टेनेशियस। और जिस पर्सन के पास होता है टेनेसिटी, ठीक है, जिस पर्सन के पास होता है टेनेसिटी, वही आपके एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन निकालता है। तो व्हाट इज टेनेसिटी? परसिस्टेंस, ठीक है, एक चीज में लगे रहना, उसको बोलते हैं हम लोग टेनेसिटी, टेनेसियस वर्ड उसी से आता है। तो इस वर्ड को आप टेन्युअस वर्ड से कंफ्यूज मत करें, टेन्युअस इज हमेशा क्या होता है, वेरी वीक, वेरी थिन यू कैन से, और यू कैन से स्लेंडर, कमजोर है काफी। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते, टेन्युअस इज व्हाट, ऑलरेडी सेड, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स आर फ्लिमजी यू कैन से, इनसब्सटेंशियल यू कैन से, शेकी यू कैन से, ठीक है, लाइक दिस रोप, वेरी थिन इन नेचर और टूटेगा यहां से, ओके। नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करता हूं, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है नॉइसम, ठीक है। अब नॉइसम दिमाग आते ही लोगों को लगता है यार ये वर्ड किसी नॉइस से रिलेटेड होगा, दिस वर्ड इज रिलेटेड टू नॉइस, नो, बिल्कुल गलत है ये। नॉइसम का मीनिंग आई थिंक इमेज से बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, नॉइसम, ठीक है, एक ऐसी चीज जिसका जो स्मेल है काफी खराब हो, ठीक है, हैविंग वेरी बैड स्मेल, ओके, हैविंग वेरी बैड स्मेल, उस क्वालिटी को हम लोग बोलेंगे नॉइसम, ठीक है। जैसे खाना तीन चार दिन के बाद स्मेल करो, फ्रिज में नहीं रखा तो खाना कैसा स्मेल करेगा, बहुत ही गंदा, ठीक है, कहीं पे डस्टबिन रखा हुआ है वहां से गुजरोगे तो बहुत ही नॉइसम एरिया, कोई यू कैन से नाला है उसके पास से चले गए, ठीक है, तो काफी नॉइसम प्लेस है वो, ठीक है। तो ऐसा एक जगह जहां पे स्टिंकिंग, वेरी स्टिंकिंग इन नेचर, ठीक है, स्टिंकिंग, ठीक है, स्टिंकिंग को हम लोग बोलते हैं नॉइसम, ठीक है, स्टिंकिंग, ठीक है, बदबू आता है काफी। और इसके जो सिनोनिम्स होंगे, ऑब्वियसली ये जो कुछ भी होगा यहाँ पे वो चीज काफी क्या होगा, अनप्लीजेंट होगा, ठीक है, प्लीजेंट होता तो स्मेल कर ही ले सकते थे, ऑब्नॉक्शियस भी कह सकते हैं इसको, या फिर एबोमिनेबल, ठीक है, एबोमिनेबल इज समथिंग विच यू कैन डिटेस्ट और यू कैन से, तो डिटेस्टेबल भी कह सकते हैं उसको हम लोग, डिटेस्टेबल और एबोमिनेबल, ठीक है, अनप्लीजेंट, ऑब्नॉक्सियस, एबोमिनेबल, डिटेस्टेबल, जिसको आप पसंद नहीं करते, जिसको आप हेट करते हो, एक तरह से ये क्या हो जाएगा, हेटफुल भी होगा एक तरह से, ओके, तो नॉइसम, फाइन। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, नॉइसम हम किसको कहते हैं, जिसका काफी खराब स्मेल हो, ठीक है, और इसको नॉइज वैसे आप रिलेट मत करें, स्टिंकिंग यू कैन से, सिनोनिम्स आर अनप्लीजेंट, ऑब्नॉक्सियस एंड एबोमिनेबल, डिटेस्टेबल, हेटफुल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वर्ड इंटरपिड। अब इंटरपिड पर्सन कैसे होते, यहाँ पे एग्जाम्पल बढ़िया दिया हुआ है, ठीक है, अक्षय कुमार है, ठीक है, ये चीता है, इनको डर नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो चीता के साथ खेल वेल रहे, तो ऐसे पर्सन को आप क्या बोलोगे, आप थोड़ी कर सकते हो ऐसा, तो यू कैन से वेरी, यू कैन से फियरलेस पर्सन, जिनको डर लगता ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरपिड, ठीक है। इंटरपिड को आप इनसिपिड से कंफ्यूज ना करें, इनसिपिड एक वर्ड होता है, इनसिपिड, ठीक है, इंटरपिड और इनसिपिड में बहुत अंतर है। इनसिपिड हम लोग किसको बोलते हैं, समथिंग विच इज डल इन नेचर, डल, ठीक है, इनसिपिड, डल होता है, मोनोटोनस होता है, जिसमें कोई स्वाद नहीं हो, उसको बोलते हैं हम लोग इनसिपिड, ठीक है। इंटरपिड का मतलब क्या होता है, वेरी फियरलेस, बोल्ड काफी, यू कैन से, ठीक है, बोल्ड भी कह सकते हो आप। एक और बहुत बढ़िया वर्ड है, यू कैन से अनडॉन्टेड, यू कैन से ऑडेशियस, डॉन्टलेस, ठीक है, अनडॉन्टेड, ऑडेशियस, डॉन्टलेस, ठीक है। एक और वर्ड है डॉन्टिंग, डॉन्टिंग मतलब क्या होता है, वेरी चैलेंजिंग, जो आपके अंदर डर पैदा करे, ठीक है। तो अनडॉन्टेड, डॉन्टलेस, ये सारे क्या हो जाएंगे, जिसके पास, जिसको डर लगता ही नहीं हो, फियरलेस हो, बट डॉन्टिंग का मीनिंग क्या होता है आपका, वेरी चैलेंजिंग और यू कैन से ऑडेशियस, ओके, लाइक अक्षय कुमार, ठीक है, इंटरपिड अक्षय, खतरों के खिलाड़ी, तो जो खतरों के खिलाड़ी होते हैं वो इंटरपिड होते हैं, ठीक है, फाइन। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, इंटरपिड इज वर्ड, वेरी फियरलेस, यू कैन से फियरलेस एक तरह से कह सकते हो, अनडॉन्टेड, ऑडेशियस, बोल्ड, ओके, और यू कैन से डॉन्टलेस, डॉन्टिंग का मीनिंग क्या होता है आपका, वेरी चैलेंजिंग, यू कैन से, ठीक है। तो ये तो हमने सारे वर्ड्स डिस्कस कर लिए, अभी एक क्विज है मैच द फॉलोइंग के, उसमें
तो आप बताना आपने कितने वर्ड्स आपने सही किए, ठीक है। 10 वर्ड अभी तक हमने पढ़ा है, प्लीज मेंशन योर स्कोर कार्ड इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ समबडी इज न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन। तो पहला वर्ड हमने पढ़ा था म्यूनिफिशन। अगर आपको याद होगा म्यूनिफिशन का मतलब क्या था, चैरिटेबल, फिलैंथ्रोपिक, मैग्नानिमस, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास बेनिवोलेंस भी होगा। नेक्स्ट, तो करेक्ट आंसर हियर इज व्हाट, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। मैं यहां पे लिख दूंगा आंसर, फर्स्ट का आंसर इज डी, ओके। नेक्स्ट, फ्लेगमेटिक मैंने क्या बोला था, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। फ्लेगमेटिक लोग कैसे होते, कूल होते, काम होते, कंपोज होते, ट्रैंक्विल, सेरीन, ठीक है। अगर आपको याद आ गया होगा तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सेरीन का आंसर इज व्हाट, ई, ट्रैंक्विल इज द आंसर फ्लेगमेटिक का। नेक्स्ट, लुगुब्रियस क्या था, वेरी सैड, मॉर्नफुल यू कैन से, यू कैन से मेलनकॉलिक, डॉलफुल यू कैन से, ओके। नेक्स्ट, सो इसका आंसर क्या होगा अगर कहीं पे, यस, डॉलफुल इज द आंसर, ओके। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, ऑब्सिक्वियस। ऑब्सिक्वियस हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, साइकोफेंटिक, ठीक है, बूटलिकिंग, अंगटुअस, इनग्रेशिएटिंग, ठीक है, जो चापलूसी करता हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे इनग्रेशिएटिंग इज द आंसर, ठीक है। सो इसका आंसर हो गया आपका बी इज द आंसर। फास्टिडियस, अ पर्सन जो, अ पर्सन हु इज हार्ड टू प्लीज, वन हु फोकस ऑन माइन्यूट डिटेल्स, छोटे छोटे डिटेल्स को पकड़ता है, उसको बोलते हम लोग मेटिकुलस या फिर फास्टिडियस। सो द करेक्ट आंसर हियर इज व्हाट, मेटिकुलस इज द राइट आंसर, एफ इज द राइट आंसर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, रेपुडिएट मतलब क्या होता है, वो जो प्रपोज किया था, रिजेक्ट कर दिया था, उसको कहते हैं हम लोग रेपुडिएट करना। तो रिजेक्ट करना, तो देख लीजिए कहीं पे है क्या रिजेक्ट करना, यस, एच इज द वर्ड, ठीक है, एच इज द मीनिंग, ठीक है। तो सिक्स का हो जाएगा आपका सेवन हो जाएगा, सिक्स का आपका आंसर हो जाएगा एच। नेक्स्ट, टेन्युअस। अब टेन्युअस मैंने क्या बोला, टेन्युअस रिलेशनशिप, वो जो रोप था, रस्सी था, काफी वीक था, फ्लिमजी था, टेंडर था, यू कैन से स्लेंडर था। सो द करेक्ट आंसर हियर इज व्हाट, टेन्युअस का सीधा आपके सामने लिखा हुआ है, जी इज द राइट आंसर, फ्लिमजी, ओके, काफी शेकी यू कैन से, फाइन। नेक्स्ट, नॉइसम अभी हमने पढ़ा था, स्टिंकिंग, ठीक है, जिसमें जिससे बदबू आए, ठीक है, यू कैन से ऑब्नॉक्शियस, अनप्लीजेंट, या फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑब्नॉक्सियस इज द राइट आंसर, ठीक है, अनप्लीजेंट, स्टिंकिंग यू कैन से, सो आई इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट, इंट्रेपिड अभी हमने पढ़ा था, फियरलेस, ऑडेशियस यू कैन से, अनडॉन्टेड, डॉन्टलेस, सो द करेक्ट आंसर हियर इज व्हाट, ऑडेशियस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जे हो जाएगा, और बाकी 10 का जो बचा वही आंसर है। रिप्रूव हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े थे, किसी को रिब्यूक करना, किसी को स्कोल करना, किसी को रेप्रीमेंड करना, किसी को रिप्रोच करना, किसी को यू कैन से कैस्टिगेट करना, किसी को फ्ले करना, किसी को चेस्टाइज करना, किसी को अपग्रेड करना, तो ये सारे बहुत सारे, किसी को लैम्बस करना, किसी को फ्ले करना, तो कितने सारे वर्ड आप रिलेट कर सकते हो, रेप्रीमेंड करना, ये सब बहुत सारे वर्ड्स, सेंश्योर करना, क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना एक तरह से किसी को, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज वर्ड, रेप्रीमेंड इज द राइट आंसर, तो सी इज का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये सारे आंसर्स है, तो होपफुली आपके 10 में से 10 आपके आए होंगे, ठीक है। तो प्लीज मेंशन द स्कोर कार्ड इन योर कमेंट बॉक्स, एंड ये वर्ड्स पढ़ के जाना एग्जाम से पहले, टफ वर्ड्स में इनको माना जाता है, तभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एंड ये आपके मेंस में भी काम आ जाएंगे आपके, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियोस, है ना, प्लीज अपने फ्रेंड्स में इस वीडियोस को शेयर करें, एंड कमेंट करिएगा अपने स्कोर कार्ड से कैसा लगा आपको वीडियो, ये कुछ अगर चेंजेस चाहते हैं तो जरूर मैंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। डू सब्सक्राइब द चैनल इफ समबडी इज न्यू टू द चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड टू ऑलिवबोर्ड। You subscribe Oliveboard YouTube channel and do not forget to press the bell icon to get alerts about all the classes.